अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो से पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमें इनफॉर्मल वर्ड्स को कैसे फॉर्मल इंग्लिश पे स्विच करना है, तो आज हम कुछ और वर्ड्स को फॉर्मल इंग्लिश पे स्विच करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। पहला वर्ड जो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी उसकी इनफॉर्मल टर्म है कम आफ्टर, लेकिन फॉर्मली हम इसको बोलेंगे फॉलो। गो बिफोर के लिए हम यूज करेंगे प्रोसीड। गो आउट ऑफ के बजाय हम वर्ड यूज करेंगे एग्जिट। लेड टू के लिए हम वर्ड यूज करेंगे कॉज। लुक फॉर के लिए हम वर्ड यूज करेंगे सीक। लुक इनटू के बजाय हम वर्ड यूज करेंगे इन्वेस्टिगेट। और लुक लाइक के लिए हम बोलेंगे रिजेम्बल। पुट अप विद की बजाय हम बोलेंगे टॉलरेट। रेफर टू, कंसल्ट। सेटल फॉर के बजाय हम वर्ड यूज करेंगे चूज। स्पीक टू के बजाय हम वर्ड यूज करेंगे एड्रेस। लाइवली के लिए हम वर्ड यूज करेंगे एनर्जेटिक। और होल की बजाय हम बोलेंगे एंटायर। ब्रेक डाउन के बजाय हम वर्ड यूज करेंगे कलैप्स। गेट अवे के बजाय हम बोलेंगे एस्केप। गो अहेड के लिए हम बोलेंगे प्रोसीड। गिव अप के लिए हम बोलेंगे क्विट। लिंक अप के लिए हम बोलेंगे कनेक्ट। टेक अवे के बजाय हम फॉर्मली बोलेंगे रिमूव। थ्रो अवे के लिए हम बोलेंगे डिस्कार्ड। और हंग्री के बजाय हम बोलेंगे फैमिश्ड। और टायर्ड के बजाय हम बोलेंगे फैटिग्ड। थैंक्स के बजाय हम वर्ड यूज करेंगे ग्रेटिट्यूड। चाइल्डिश के लिए हम वर्ड यूज करेंगे इमैच्योर। पुटिन के लिए हम वर्ड यूज करेंगे इंसर्ट। A lot of के लिए हम वर्ड यूज करेंगे numerous। और from, like I am from this company, इसके बजाय हम वर्ड यूज करेंगे on the behalf of। meant के बजाय हम वर्ड यूज करेंगे repair। house के बजाय हम वर्ड यूज करेंगे residence। call on के बजाय विजिट। और ड्रॉप आउट के लिए हम वर्ड यूज करेंगे विदड्रॉ। सो दैट वॉज एन अदर वीडियो कि हम इनफॉर्मल इंग्लिश को कैसे बोल सकते हैं फॉर्मली। तो अब आपको इस वीडियो में से बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो कि आप इनफॉर्मली बोलते थे अपने ऑफिस में भी या फिर अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी, तो अब आप उसको स्विच करेंगे फॉर्मली। सो दैट वॉज ऑल अबाउट informal versus formal English. See you in next video. Till then, Allah Hafiz.